पदाधिकारियों ने जिस वजह से सरकार को 212.50 करोड़ रुपया का सूद भरना पड़ा, 48.09 करोड़ रुपया पदाधिकारियों के कमी के वजह से। और दूसरा सवाल था हमारे नेता विरोधी दल हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का जातीय बिहार में जाति जनगणना कराने का, जनगणना कराने का सरकार इतना इतना लंबा हमारा जवाब दिया जिसके वजह से पुट भी हो सकता था लेकिन पुट सरकार जानबूझकर नहीं करवाई क्योंकि जातीय जनगणना का मामला था बिहार में और हम लोगों ने सदन से उसको पास भी कराया सर्वसम्मति से कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और मुख्यमंत्री भी अपने भाषण में कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो बिहार सरकार अपने संसाधन से जाति आधारित जनगणना बिहार में हम कराएंगे, लेकिन सरकार भाग रही है, नीतीश कुमार भाग रहे हैं, इसलिए हमारे सवालों को भाग रहे, सरेंडर किए हुए हमारा हमने कहा है कि शोषित हम 90 हैं, 100 में शोषित 90 हैं, 90 भाग हमारा है तो फिर 10 ही भाग क्यों हमको मिल रहा है, 90 भाग हमको मिलना चाहिए, ये नारा हम लोगों का है। और जातीय जनगणना को पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पास करके भेजा था। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या बातें हैं हमें पता नहीं, लेकिन सब लोग सर्वदलीय कमेटी गई थी प्रधानमंत्री से मिलने, बीजेपी भी जो भी नहीं, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, लेकिन आज जातीय जनगणना कराने से सरकार भाग रही है ऐसा प्रतीत होता है। अभी जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने संसाधनों से, यदि प्रधानमंत्री तैयार न होंगे तो बिहार सरकार अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन अभी का बजट यदि आप देखें तो बजट में उस संसाधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उसी को देखकर राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चर्चा है। हाँ, उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस पर बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया था अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से, लेकिन ऐसा लगा कि वह प्रश्न साजिश का शिकार हुआ और सदन में सरकार के दबाव में और सरकार के इंटेंशन को देख सकता था कोई भी कि सिर्फ एक प्रश्न करने के बाद, और चूंकि दूसरा प्रश्न था इसलिए पहले प्रश्न में ही उलझाकर और दूसरे प्रश्न को कभी ऐसा हुआ नहीं, नहीं, नहीं मौका दिया गया। यह बिल्कुल खेदजनक बात है और यह बिल्कुल बिहार की आवाम की भावना से जुड़ी हुई बातें हैं। ये सभी उन सभी बातों को याद कराती है कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही नारे आज सदन में गूंज रहे थे। सभी हमारे साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, वामपंथी साथियों ने बेल में आकर उसका विरोध किया और उसके बाद लगातार प्रयास के बाद कि उस प्रश्न की सुनवाई हो, उस प्रश्न का की परचर्चा हो, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी ने उसको उसका मौका नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। यह बहुत, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।